नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए आज बात करते हैं एलर्जी राइनाइटिस के बारे में। बहुत ही कॉमन है, जो कि हर किसी को है, क्योंकि जिनको भी है वो किसी न किसी तरीके की एलर्जी से वो सफ़र कर रहे हैं। एलर्जी राइनाइटिस नाक में होने वाली प्रॉब्लम है, जिसमें एलर्जी के वजह से नाक में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है और वहाँ पे इन्फ्लामेशन होती है, म्यूकस का प्रोडक्शन होता है और सांस लेने में डिफ़िकल्टीज होनी स्टार्ट हो जाती है। ये एलर्जी डस्ट पार्टिकल या पोलन ग्रेन्स यानी कि फूलों के परागन या एनिमल डेंडर यानी कि जानवरों के स्किन की शेडिंग, स्मोक या केमिकल के वजह से भी हो सकती है। तो चलिए जानते हैं आखिर एलर्जी राइनाइटिस के सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। एलर्जी राइनाइटिस के सिम्टम्स जो है वो कॉमन कोल्ड से बिल्कुल सिमिलर ही होते हैं। इनमें सबसे पहले क्या होगा कि नाक से पानी आना स्टार्ट हो जाएगा, नाक में खुजली होगा, नाक जो होगा वो ब्लॉक होगा, एक नाक खुलेगी एक नाक बंद होगी। जब भी आप रात में सोएंगे तो जिनको भी जुखाम होगा वो उनको प्रॉब्लम आएगी कि उनको रात में ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होंगी सांस लेने में। नाक में खुजली होना, आँखों में खुजली होना या आँखों का लाल हो जाना और सर दर्द होना, ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो इंडिकेट करते हैं एलर्जी राइनाइटिस के तरफ। सेम सिम्टम्स नेज़ल पॉलिप का भी होता है, लेकिन आप इसको ईजिली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। वो कैसे? जैसे कि नेज़ल पॉलिप में नाक के अंदर का मांस जो होगा वो थिक हो जाएगा, यानी कि मोटा हो जाएगा। पर एलर्जी राइनाइटिस है अगर किसी भी पेशेंट को, तो उसमें नाक के अंदर किसी भी मांस का स्ट्रक्चर्स आपको शो नहीं करेगा। एलर्जी राइनाइटिस ज़्यादातर ट्रिगर करेगी किसी भी एज ग्रुप को, ये ट्रिगर कर सकती है और ज़्यादातर ये सीजनल चेंजेस पे ही एग्रावेट होती हैं, जैसे कि विंटर पे हो गया या रेनी सीजन में हो गया या समर वेदर, जैसे ही चेंजेस मौसम जैसे ही चेंज होते हैं एलर्जी राइनाइटिस जो होती है वो तुरंत ही ट्रिगर कर जाती है जिन भी पेशेंट को एलर्जी है। जितने भी मैंने आपको डस्ट बताया या पोलन्स हो गया या केमिकल हो गया, स्मोक हो गया, इन चीज़ों के अगर वो कॉन्टैक्ट में जाते हैं तो उनको तुरंत ही नाक से पानी आना स्टार्ट जाता है। तो अब आइए चलिए बात करते हैं कि आखिर इसके पीछे का रीजंस क्या है, आखिर क्यों होता है एलर्जी राइनाइटिस। उनमें सबसे ज़्यादा देखा जाता है जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा वीक हो गया है, क्योंकि वीक होने के वजह से जो उनका डिफेंस सिस्टम है वो बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई से अपने आप को डिफेंस नहीं कर पाता है, जिससे नेज़ल कैविटी के थ्रू ये एंटर कर जाते हैं और नाक में म्यूकस का प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाती है, पेन होना स्टार्ट हो जाता है और सांस लेने में भी डिफ़िकल्टी आने लगती है। तो ये रहा रीजंस। अब आइए बात करते हैं कि आखिर उसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। कंट्रोल बहुत ही अच्छे तरीके से किया जा सकता है, बहुत ही इसका इजी वे है। अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले अपनी डाइट पे आपको कंट्रोल करना होगा। अगर आप अनहेल्दी डाइट ले रहे हैं तो आपको अनहेल्दी डाइट के बजाय एटलीस्ट अपने डाइट में प्रॉपर मील यूज़ करिए, जिसमें मिनरल्स बहुत ज़्यादा हों, विटामिन्स ज़्यादा हों, प्रोटीन जो है वो बैलेंस में लेके चलिए, तो आप अपने एलर्जी राइनाइटिस को कंट्रोल में कर सकते हैं। दूसरा, अगर इसको कंट्रोल करने का तरीका मैं आपको बताऊं तो वो है कि आप जैसे कि डस्ट पार्टिकल में जा रहे हैं या डस्ट में जा रहे हैं, धूल मिट्टी में जा रहे हैं, या तो आप अपने फेस को कवर करके जाइए, मास्क यूज़ करिए। अगर आपके घर में जानवर हैं, जैसे कि हर किसी के घर में आजकल डॉग्स रखे जा रहे हैं, तो आप उनके स्किन की अच्छे से साफ़ सफाई करिए, उनको रेगुलर बेसिस पे उनको नहलाइए, उनकी सफाई करिए, जिसके वजह जो जब आप उनको नहलाएंगे और उनकी सफाई रखेंगे तो जो उनका स्किन का जो शेडिंग है वो झड़ेगा नहीं, जब वो झड़ेगा नहीं तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। जिन भी पेशेंट को एलर्जी राइनाइटिस है और वो उनको नाक से पानी आ रहा है या सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो आप स्टीम यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल, स्टीम जो होगा वो बहुत ही आसान तरीका होता है एलर्जी राइनाइटिस को कवर करने का, यानी कि क्योर करने का। आप ये सारी चीज़ों को अपनाइए और आपकी एलर्जी जो है वो पूरी तरीके से ठीक हो सकती है। जो भी लोग एलर्जी राइनाइटिस से काफ़ी लंबे समय से सफ़र कर रहे हैं, जिनकी प्रॉब्लम क्रॉनिक हो चुकी है या एक्यूट भी है, वो भी भारत होम्योपैथी में मैं उनका स्वागत करती हूँ। वो भारत होम्योपैथी में आके अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। भारत होम्योपैथी में एक मेडिकल टीम है जो ऑनलाइन आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड
की जाती है। आप ऑनलाइन अपनी मेडिसिन अपने घर तक भी मंगवा सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट मुझसे मिलना चाहते हैं तो पहले अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करा के आप मुझसे ओपीडी में मिल भी सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं फिर से मिलूंगी कुछ नए टॉपिक्स के बारे में, कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। मैं आपको आगे और भी इन्फॉर्मेशन देती रहूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।